सिटी, योगी आदित्यनाथ ने फिल्मकारों को दिलाया भरोसा। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आ जा रे। बॉलीवुड में माफिया राज किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के पास फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, तभी से चर्चा हो रही है कि क्या अब बॉलीवुड को माफिया राज से मुक्ति मिलेगी। बॉलीवुड में माफिया राज के कारण ही कई प्रतिभावान लोगों को काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ फिल्म निर्माण से लेकर उसमें पैसा लगाने और कलाकारों के चयन तक में सब में माफिया राज चलता है। यही कारण है कि एक समय मोनिका बेदी और मंदाकिनी जैसी होनहार अभिनेत्रियां इन माफियाओं के चंगुल में फंस चुकी हैं। बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार कैसे चल रहा है, वह आज सबके सामने धीरे धीरे बेपर्दा हो रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ को सख्त कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के कई गुंडे या तो जेल में हैं या फिर उनका एनकाउंटर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब संगठित अपराध अपने खात्मे के कगार पे है। अब लोगों में उम्मीद जग रही है कि यदि फिल्में उत्तर प्रदेश में बनेंगी तो बॉलीवुड को माफिया राज से मुक्ति जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।